आपका अपना सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान का हमारे संसाधन जो किताब है भूगोल चैप्टर वन संसाधन, इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, फुल क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसमें आपका अभ्यास प्रश्न का फर्स्ट है, पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट का फर्स्ट पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, जो इसमें पवन ऊर्जा उसके बाद खाली स्थान दिया हुआ है, संसाधन का उदाहरण है, तो इसमें हो जाएगा नवीकरणीय। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन खाली स्थान और खाली स्थान फिर है दो प्रकार के होते हैं, तो इसका पहला खाली स्थान में हो जाएगा अजैव संसाधन, दूसरा में हो जाएगा जैव संसाधन। अब तीसरा, दक्कन लावा पठार में खाली स्थान मिट्टी पाई जाती है, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि काली मिट्टी पाई जाती है। चौथा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना खाली स्थान ईस्वी में प्रारंभ की गई है, इसमें देखिए हो जाएगा 2016, 2016 में यह शुरू की गई थी, प्रारंभ की गई थी। अब देखेंगे दूसरा, सही उत्तर लिखें। सही उत्तर लिखे का पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? ऑप्शन दिया हुआ है, क कैंसर उपचार की औषधियाँ, ख झरने का जल, ग उष्ण कटिबंधीय वन। तो इसका सही उत्तर होगा क कैंसर उपचार की औषधियाँ, जो कि मानव निर्मित संसाधन है, ठीक है। दूसरा, जैव संसाधन होते हैं, इसका ऑप्शन दिया हुआ है क जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, ख मनुष्यों द्वारा निर्मित, ग निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, जैव संसाधन जो है जो कि जीव जंतुओं से व्युत्पन्न होता है, ठीक है। तीसरा, केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है क थोरियम, ख लोहा, ग यूरेनियम। तो इसमें से कोई नहीं होगा, इसका ऑप्शन जो कि सही नहीं दिया हुआ है, इसका लिखना होगा अपने से घ घ देख के लिखना होगा मोनोजाइट, इसका मोनोजाइट होता है, जो कि केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन होता है। चौथा, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया? इसका क स्कॉट होम, ख क्योटो, ग रियो। इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा घ लिखना होगा पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन जो है सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का सम्मेलन में पहली बार आया था, ठीक है। अब आ जाएगा आपका तीसरा, यानी कि थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें प्रश्न दिए गए हैं जो कि उत्तर देना है। इसका पहला है, संसाधन किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर वन का जो संसाधन किसे कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, कोमा संसाधन कहलाती है। मतलब कि इसका मतलब हुआ कि हमारे आसपास जितने भी वस्तु नज़र आती है जो हमारे लिए उपयोगी है, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, वह हम संसाधन कहलाती है। अब या इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, कोमा वह संसाधन कहलाता है, ठीक है। इसका दो तरह से आप लिख सकते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है, संसाधन के मुख्य तीन प्रकार होते हैं, संक्षेप में बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, साधारणतः संसाधनों के मुख्य तीन प्रकार हैं। पहला, प्राकृतिक संसाधन। तो इसमें क्या लिखेंगे कि वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं
और बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे नदियों, झीलों का जल, मृदा, खनिज और वायु आदि। अब दूसरा हो जाएगा मानव निर्मित संसाधन। इसमें क्या होगा, जब प्राकृतिक पदार्थों का वास्तविक रूप बदल दिया जाता है तथा उनका प्रयोग अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, तो नई निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन कहलाती है, जैसे मशीन, सड़कें, प्रौद्योगिकी, रेल मार्ग इत्यादि। इसका तीसरा हो जाएगा मानव संसाधन। इसमें क्या होगा, मानव संसाधन से अभिप्राय लोगों की संख्या और योग्यता से है। यहाँ योग्यता से अभिप्राय मनुष्य की शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की योग्यता से है। इसका इतना ही लिखेंगे। अब आपका देखिए तीसरा क्वेश्चन होगा, जो अगला है, संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसका सही उत्तर होगा, संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करना चाहिए ताकि वर्तमान में पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सके, लेकिन भावों पीढ़ियों की आवश्यकताओं भी पूरी हो सके। अब अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका चार, सतत पोषणीय विकास क्या है, इसके सिद्धांत को लिखें। इसका सही उत्तर होगा, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता एवं भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इसमें और क्या लिखेंगे, देखिए इसका कुछ सिद्धांत भी होता है तो इसको देख लेंगे। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत निम्नांकित हैं, क, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, ख, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, ग, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, घ, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, अंग, पर्यावरण के प्रति अभिव्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास से परिवर्तन। क्या है कि इसका व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन होता है। च, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। अब देखिए इसमें इतना ही होगा, इसका अगला क्वेश्चन आएगा जो कि तीसरा के हम लोग चार थे देखें, अब चार आएगा जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला, मानव एक संसाधन है कैसे। तो इसका सही उत्तर होगा, मानव स्वयं में एक संसाधन है। मानव को संसाधन उसकी संख्या, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास, शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य एवं कौशल की सहायता से होता है। इनकी सहायता से ही मनुष्य नई वस्तुओं का निर्माण करने के लिए या करने के लायक बनता है। ठीक है, इसमें यही लिख देंगे। आपका चौथा के दूसरा क्वेश्चन है, संभाव्य और वास्तविक संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए संभाव्य और जो वास्तविक संसाधन है दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो पहला हो जाएगा संभाव्य संसाधन का, वे संसाधन है जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है और इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इसमें संभाव्य का हो गया, अब वास्तविक संसाधन का देखेंगे। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं
जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिमी एशिया में खनिज तेल, दक्कन पठार की काली मिट्टी, झारखंड में कोयला, बॉक्साइट, सभी वास्तविक संसाधन हैं। इसमें इतना ही हो जाएगा। देखिए आपका आ जाता है तीसरा, यह है स्थानिक संसाधन क्या है, झारखंड के संदर्भ में स्पष्ट करें। तो इसका सही उत्तर होगा वैसे संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे लौह अयस्क, तांबा। अब देखिए झारखंड के, झारखंड राज्य के संदर्भ में भी बोला है तो इसलिए झारखंड के लिए क्या लिखेंगे। झारखंड में पूरे भारत का लगभग 40% यानी कि 40% खनिज पाया जाता है, ठीक है। इसमें 40% जो है झारखंड में ही पूरा भारत मिला के खनिज पाया जाता है, और कुछ मामलों में तो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रथम स्थान रखता है। झारखंड में कोयला, लोहा अयस्क, बॉक्साइड, चूना पत्थर, अभ्रक, कायनाइट, चीनी मिट्टी, लोहा, पूरा पायराइट, मैग्नीज, क्रोमियम, टंगस्टन, तांबा, सीसा, यूरेनियम, थोरियम, बेरिल, लिथियम, फेल्सफार, मिट्टी, स्टोन, संगमरमर आदि अनेक खनिज प्राप्त किए जाते हैं। इसमें इतना ही लिख देंगे। और इसके बाद देखिए आपका चौथा जो है वो क्वेश्चन है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन का विश्लेषण उदाहरण सहित करें। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। पहला बोला है नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों में जो है कि विश्लेषण करना है, तो नवीकरणीय का पहले देखेंगे। नवीकरणीय संसाधन, उत्तर, वह संसाधन जिनकी उपभोग के बाद तेजी से पूर्ति संभव है नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। अब अनवीकरणीय, वह संसाधन जो एक बार में उपभोग के बाद समाप्त हो जाते हैं और निकट भविष्य में उनकी पूर्ति संभव नहीं है अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ये लिख दीजिए। और उसके बाद आपका आता है पांचवा, क्योंकि अभी हम लोग चौथा के चार ठे क्वेश्चन आंसर देखें। अब आ गया है अगला पांचवा। पांचवा में क्या बोला है कि अंतर बताना है, आपको अंतर बताना है, लिखा हुआ है अंतर बताएं। पहला है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर होगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर, पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन, दोनों को दो बॉक्स में लिख देंगे। इसमें ए हो जाएगा, एक निश्चित समय में अपने आप बनने वाली संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाती है। और इसमें क्या हो जाएगा कि वे संसाधन जो एक निश्चित समय में स्वतः नहीं बन पाते अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। बी लिख देंगे हम लोग, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जल, सौर ऊर्जा, जवारीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। ये उदाहरण हो गया है आपका, ये उदाहरण लिखेंगे। फिर इसमें बी में लिखेंगे खनिज पदार्थ, भूमि तथा मृदा अनवीकरणीय संसाधन है। अब देखिए सी में क्या लिखेंगे, इनको समाप्त होने के कुछ समय के बाद फिर से प्राप्त किया जा सकता है। इसका सी में क्या होगा, एक बार उपयोग के बाद ये सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। इसमें क्या है कि इसको जो है कि एक बार हम लोग उपयोग कर देते हैं तो सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। और इसमें नवीकरणीय में जो है कि उसको हम लोग जो यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, उसको समाप्त होने के बाद फिर से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है।
इसमें फिर अगला आपका क्वेश्चन है छठा, नहीं नहीं सॉरी पांचवा है, पांचवा का सेकंड व्यापक, जो पांचवा का सेकंड है सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन में भेद करें, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, इसको उत्तर में, इसका उत्तर में क्या लिखेंगे, सर्वव्यापक संसाधन हर जगह पाए जाते हैं, जैसे जल, हवा, सूर्य की रोशनी, जबकि स्थानिक संसाधन की किसी एक विशिष्ट स्थान पर पाए जाते हैं। ठीक है, ख ख में क्या लिखेंगे, सर्वव्यापक संसाधन प्रत्येक क्षेत्र के विकास में योगदान देते हैं, जबकि स्थानिक संसाधनों के कारण केवल उस स्थान विशेष का विकास होता है जहां वे पाए जाते हैं। ठीक है, सेकंड में लिख देंगे पांचवा का सेकंड में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर छः है आपका, कारण बताएं। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है, तो कारण बताना है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, क्या कारण है कि प्रौद्योगिकी जो है कि एक मानव निर्मित संसाधन है, तो इसमें क्या लिखेंगे उत्तर, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में न्यूनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। ठीक है, जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है, और यह सभी कार्य मानव द्वारा किया गया है। इसमें यही लिख देंगे। इसका फिर छठा का दूसरा है, मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, कैसे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसका भी अंतर ही बताना है, कारण ही बताना है। इसमें हो जाएगा उत्तर, मनुष्य अपने कौशल, ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग करता है और संसाधन निर्मित करता है, अतः मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। तो इसमें इतना लिख देंगे, बस आपका जो इस चैप्टर में है इतना ही क्वेश्चन आंसर है। थैंक यू।